अर्जुन जी कोई फ्रॉड नहीं है और ना ही नंदू कहीं जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स यहां मौजूद हैं। हम हैं लावण्या अर्जुन वेंकटरमन। अर्जुन जी की पत्नी, नंदू की मां। ना ये शादी नकली है और ना ही ये रिश्ता। ये मरी मैया। भाई साहब, हमने आपसे कहा था ना कि पिंकिया ने खुद कहा था कि वो इस मद्रासी के साथ मंडप में बैठने जा रही है। हम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, हम इतना बड़ा लूलापना नहीं कर सकते भाई साहब। इस लड़की ने तो नाक कटा के रख दी। भाई वाह भाई, शाबाशी देनी चाहिए आप दोनों को। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अर्जुन जी, याद है मैंने कहा था अगर मुझे इस केस में कोई गड़बड़ लगी तो नंदू आपको कभी नहीं मिलेगी। और आप लोगों ने तो फ्रॉड की सीमाएं ही पार कर दी। इस बात पे अब पुलिस केस बनेगा। सीमा जी, रुक जाइए। देखिए, ये सब हमने जो भी कुछ किया है हमने नंदू को वापस पाने के लिए किया है। अर्जुन जी और नंदू एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्लीज प्लीज उन्हें अलग मत करिए। हम क्या करते? उस दिन वो लड़की आई नहीं जिससे अर्जुन जी की शादी होनी थी, इसीलिए हम मंडप में बैठे। अच्छा, तो वो नहीं आई तो तुम बैठ गई मेरे कंधा के साथ शादी करने के लिए, वो भी असली वाली शादी। हाँ, असली शादी गलती से हुई है। अच्छा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब तुम मेरी बात सुनो। जो कुछ भी हुआ उसके बाद नंदू तुमको कभी नहीं मिलेगी। पर क्यों नहीं मिल सकती? आपको भी पता है कि नंदू और हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग हो गई है हमारे अंदर, और अब तो लीगली हम उसकी मां भी हैं। प्लीज प्लीज सीमा जी, ऐसा मत करिए। हाँ, लेकिन उसे पाने का जो आपका तरीका था वो गलत था, और इसलिए नंदू मैं आपको नहीं सौंप सकती। और फिर क्या पता आपकी बातों की तरह आपकी शादी भी नकली हो। शादी नकली नहीं है, असली है। मुझे आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। प्लीज लेट मी गो। क्या कहा तूने? शादी नकली नहीं, असली है। ये बात तो तूने हमें बताई नहीं। तो क्या तुम्हें पता था कि पिंकी ही मरती है? भैया, ये समय सवाल जवाब का नहीं है। अब हमें नंदू के बारे में सोचना चाहिए। इससे बड़ा लुल्लपना तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सब कुछ दांव पे लगा दिया इस पिंकिया ने। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने हमसे, अपनी मां से इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा। तुम ना, तुम्हारी बहन काफी नहीं थी कि तुम भी मेरे खन्ना के पीछे पड़ गई? प्लीज थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। खन्ना, तुम चुप रहो, इसी की वजह से नंदू। थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन विकास की सगाई अब पिंकी से नहीं हो पाएगी। चल बेटा।
भाई साहब, उस मद्रासी ने कर दिया ना लुलपना। पहले तो एक बेटी लेकर गया था, अब दूसरी बेटी भी लेकर गया। बेटिया हमें माफ कर दे, हम तुझ पे भरोसा नहीं कर पाए। हमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हमारी बिटिया ऐसा कोई कदम उठाएगी जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाए। और बेटा, ये मात्र कंगन नहीं है, ये एक बंधन है हमारे बीच में, क्योंकि आज हमने तुम्हें अपनी बेटी स्वीकार किया है। इमरती को अपनी बेटी माना है हमने, इसलिए उसके साथ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। परंतु अब चूंकि विवाह हो चुका है, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी पत्नी का सम्मान करना सीख लो। भैया, भाभी अपनी जान ले रही है, रोकिए उन्हें, रोकिए भैया, जाइए। ने बाहर जाके शादी की थी तो आपने उसे घर से निकाला, तो हमें लगा था कि आप गलत हैं। आज हम समझ रहे हैं, आज हम समझ रहे हैं कि पिंकी ने हमसे इतना बड़ा धोखा किया कि गलती किसी और की नहीं, गलती हमारी है, हमारी परवरिश की गलती है। हम कम पड़ गए, हम कम पड़ गए, ना अच्छी बीवी बन पाए, ना अच्छी माँ। कोई हक नहीं हमें जीने का, कोई हक नहीं हमें जीने का। देखो हमें, देखो, क्या पागल बन गया। छोड़ दीजिए ना हमें, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए भाभी, छोड़िए इसे, छोड़ो। क्या पागल बन गए, छोड़ा मत तुम हमें, हाथ मत लगाना तुम हमें, हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कितना कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया, हमसे झूठ बोला, हमसे झूठ बोला ना तुमने, सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। माँ, हमने आपसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, आपको ऐसे नहीं देखना चाहते थे, इसलिए आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आपको दुविधा में नहीं डालना चाहते थे कि आप पापा को बताएं या नहीं बताएं, सिर्फ इसीलिए, इसीलिए कुछ नहीं कहा आपसे। अच्छा पिंकिया, सारा का सारा गुना भाग अकेले ही करना था तो इतना सोच लेती, इतना दिमाग लगा लेती कि जब सारा पोल खुलेगा तब क्या होगा। हाँ, बस करिए आशा भाभी, बात का पतंगड़ मत बनाइए। यहाँ हर कोई जानता है कि पिंकी ने नंदू के लिए शादी की है अर्जुन से, वो हमेशा से अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती थी। अब शादी असली हो गई तो उसमें उसकी क्या गलती है। अच्छा अंतरा, ये अच्छा मजाक है कि भतीजी ने गलती से मजाक में शादी कर ली। वाह, और बुआ कह रही है कि गलती हो गई है, ठीक है, गलती हो गई है ना,
तो इस गलती को सुधार लो, रिश्ता ही तोड़ दो।